अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक। एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक ये चीज़ें क्या हैं, ये अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करती हैं, तो आज इसके मुतालिक हमने बात करनी है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं एनाफोरिक को, तो एनाफोरिक रेफरेंस, रेफरेंस मीन्स हवाला देता है, दैट अ वर्ड इन अ टेक्स्ट, ये जो लफ्ज़ है आपका कहाँ पर टेक्स्ट में, ये आपका रेफर्स करता है, ये आपको हवाला देता है। बैक टू अदर आइडियाज़ मीन्स कि आपको आपके मज़ीद क्या जो है, बैक टू अदर आइडियाज़ आपके मज़ीद जो है इसके मुतल किसी चीज़ का ख्यालात हो, द नेक्स्ट फॉर इट्स मीनिंग। ठीक है, अब मैं इसको आपके समझा देता हूँ इसकी एक्सरसाइज में, तो फिर आपको मज़ीद इसकी समझ आ जानी है। इसकी ये हम आ गए हैं इसके एग्ज़ाम्पल पर, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, आई वेंट आउट विद जमीला ऑन संडे। ठीक है, अब ये जो है ये अलग कर दें और ये जो दूसरा है ये आप अलग कर दें। मैं अगर सिर्फ कह दूं कि शी लुक्ड कन्फ्यूज्ड, या मैं सिर्फ कह दूं कि आई वेंट आउट विद जमीला ऑन संडे, तो ये क्या है, दोनों अधूरी सेंटेंसेस हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, फ्रेजेस बन जाते हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है कि आई वेंट आउट विद जमीला ऑन संडे, मैं संडे को जमीला के साथ क्या यहाँ पे निकला था बाहर। शी लुक्ड कन्फ्यूज और वो परेशान दिखाई दे रही थी। अब इन दिस सेंटेंस द प्रोनाउन शी इज़ एनाफोरिक, शी क्या है, एनाफोरिक है, बिकॉज इट रेफर्स टू द नाउन जमीला दैट इज़ इंट्रोड्यूसर, क्योंकि जो ये किया क्या हवाला देता है किस चीज़ का, जमीला का, जो कि इंट्रोड्यूस जिसके तारुफ करवाया गया है पहले ही से। तो मतलब जहाँ पे नाउन पहले आएगा और बाद में क्या आ जाएगा, आपका प्रोनाउन आ जाएगा, या पहले आपका जो क्या है कि पहले अगर आपको कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी गई है और बाद में वो मकसद बताया जाएगा, तो उसे हम कहते हैं एनाफोरिक। अगर हम दूसरे को देखते हैं कैटाफोरिक, तो कैटाफोरिक रेफरेंस मीन्स दैट अ वर्ड इन अ टेक्स्ट रेफर्स टू अनदर लेटर इन द टेक्स्ट एंड यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड। कैटाफोरिक में आपने क्या करना होता है, व्हेन ही अराइव्ड, एग्जांपल को देखें, व्हेन ही अराइव्ड अशरफ नोटिस दैट द डोर वाज ओपन, अगेन दो हिस्सों में कर दें, वो पहुंचा तो अशरफ ने महसूस किया कि दरवाज़ा खुला था। इन दिस सेंटेंस द प्रोनाउन ही इज कैटाफोरिक रेफरेंस बिकॉज इट रेफर्स टू द नाउन अशरफ दैट इज इंट्रोड्यूस लेटर इन, इसमें बात पहले की गई होती हैं और क्या होता है, बात पहले की गई होती है और इसके लिए आपने फिर क्या होता है, आपने आगे जाके आपको पता चलता है, आपने दैट इंट्रोड्यूस लेटर इन द टेक्स्ट, जो कि बात पहले करते हैं और जो इंट्रोड्यूस जो आपको तारुफ है वो क्या करता है, लास्ट में करते हैं।